हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अकाउंटिंग में जनरल एंट्रीज किस तरह से पास की जाती हैं। एक्चुअली जनरल एंट्रीज से रिलेटेड एक पूरी सीरीज़ है और उस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उस पार्ट को देख लीजिएगा जिसमें आपकी जो बेसिक एंट्रीज़ है वो कवर होती है। ये जनरल एंट्रीज़ का सेकेंड पार्ट है और इस वीडियो में हम कवर करेंगे फिक्स्ड एसेट्स को बेचने और खरीदने की एंट्रीज़ किस तरह से होती हैं, साथ ही साथ ड्राइंग्स की एंट्री भी किस तरह से होती हैं। इससे पहले वाले जो एंट्रीज़ है, जैसे कि कैपिटल लाने की एंट्री, गुड्स को परचेज करने की एंट्री, उसको सेल करने की एंट्री और जो गुड्स रिटर्न की एंट्रीज होती हैं रिलेटेड टू परचेज और सेल्स, वो किस तरह से होती हैं वो मैंने फर्स्ट पार्ट में समझाया है। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जब आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको अकाउंटिंग की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अलग अलग वीडियोस देख सकते हो। इसके बाद जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें समझाएंगे कि एक्सपेंसेस और इनकम की एंट्रीज किस तरह से होती हैं, जिसमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की एंट्री इंक्लूड होगी, साथ ही साथ जो छोटी मोटी एंट्रीज रह जाएंगी वो भी हम थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। फोर्थ पार्ट में होगा GST से रिलेटेड एंट्रीज सारी की सारी, क्योंकि अपने आप में काफ़ी लंबा टॉपिक है। और फिर फिफ्थ पार्ट में हम समझेंगे डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो जनरल एंट्रीज करने से पहले पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए कुछ बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड नॉलेज। और ये बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उसका, या फिर ऊपर आई बटन पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, इनकम क्या होती है, बिजनेस क्या होता है, मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं, जनरल क्या होता है, लेजर क्या होता है, एटसेट्रिंग। यहाँ पर मैं इसको समझाने नहीं जा रही हूँ क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए जनरल एंट्रीज करते समय वो होनी चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं, जिनको हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के नाम से भी जानते हैं। अब उससे रिलेटेड भी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें इतने ईजी वे में समझाया है ट्रिक के साथ कि अगर आप उस वीडियो को देख लोगे एक बार तो आप कभी नहीं भूलोगे कि कब किस आइटम को डेबिट करना है और कब किस आइटम को क्रेडिट करना है। शॉर्ट में मैं यहाँ पर आपको रूल्स बता रही हूँ, एक तरीके से ये आपके लिए एक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है उसके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो को समझने के लिए। तो सबसे पहला रूल होता है डेबिट और क्रेडिट का, वो होता है कैश के लिए या फिर बैंक बैलेंस के लिए, और ये फर्म के लिए एक एसेट होती हैं जिसको हम बोलते हैं एक अलग नाम से करंट एसेट्स। अब कैश और बैंक के लिए सीधा सीधा रूल ये होता है कि कैश या बैंक बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, और अगर वो कम होता है तो उसको क्रेडिट करो। यानी अगर बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। इसके अलावा जो दूसरी एसेट्स हैं, जैसे कि मशीनरी हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, एटसेट्रा, इनसे रिलेटेड जो रूल होता है वो होता है बढ़ने पर डेबिट और कम होने पर क्रेडिट। बिल्कुल कैश के जैसा ही है, क्योंकि कैश भी एक तरह का एसेट होता है, तो एसेट वाला रूल ही इस पर अप्लाई होता है। उसके बाद जो रूल आता है वो आता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लिए, यानी फर्म में, बिजनेस फर्म में किसी भी तरह का खर्चा होता है, किसी भी तरह का नुकसान हो जाता है, लॉसेस हो जाता है, तो उसको करते हैं डेबिट, और अगर ये कम होता है तो उसको करते हैं क्रेडिट। यानी किसी भी तरह के एसेट के लिए या फिर लॉस के लिए और खर्चों के लिए एक ही रूल होता है, बढ़ने पर डेबिट और कम होने पर क्रेडिट। आप इसको AE की शॉर्ट फॉर्म के नाम से भी जान सकते हैं। उसके बाद आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, यानी बिजनेस फर्म को अगर कुछ अमाउंट पे करना होता है, सिर्फ पे करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वह कहलाती है लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी बढ़ने पर होती है क्रेडिट और कम होने पर होती है डेबिट, जस्ट रिवर्स रूल होता है, यानी उल्टा रूल होता है एसेट से। इसके बाद आ जाता है इनकम्स या गेंस। इनकम और गेंस के लिए रूल वही होगा जो लाइबिलिटी के लिए होता है, ये बढ़ने पर होती हैं क्रेडिट और कम होने पर होती हैं डेबिट। उसके बाद लास्ट रूल होता है कैपिटल के लिए, यानी ओनर फर्म में कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उतनी वैल्यू से एक अकाउंट बनेगा जिसको बोलेंगे हम कैपिटल अकाउंट, और वो होगा क्रेडिट। क्यों? क्योंकि क्रेडिट लाइबिलिटी होती है, इंटरनल लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, और तो जो रूल लाइबिलिटी के लिए वही कैपिटल के लिए, बढ़ने पर क्रेडिट और कम होने पर डेबिट। आप ऑलरेडी जानते हो कि एसेट क्या होती हैं। एसेट फर्म के लिए वो चीज़ें होती हैं जिस पर बिजनेस का हक होता है और उसको यूज़ करके ही वो अपना काम करता है, यानी बिजनेस किया जाता है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर्स, टूल्स, स्टॉक्स, लाइव स्टॉक, एटसेट्रा। तो अगर फर्म में किसी भी तरह की फिक्स्ड एसेट खरीदी जाएगी तो आपको पहले ये देखना है कि क्या ये कैश में खरीदी जा रही है या फिर क्रेडिट यानी उधार पर खरीदी जा रही है, क्योंकि दोनों के लिए जो एंट्री होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर कैश में परचेस की जा रही है एसेट तो उसकी एंट्री किस तरह से होगी। देखिए, कैश में परचेस की जा रही है तो क्या होगा, एक तरफ बिजनेस में
किसी भी तरह की फिक्स्ड सेट आ जाएगी जिसको खरीदा जाएगा। जहाँ माना फर्नीचर खरीदा गया तो फर्नीचर आ जाएगा, और क्योंकि ये कैश में खरीदा जा रहा है तो बदले में कैश चला जाएगा। तो आप याद करो कि कैश के लिए एंड क्या रूल होता है, बढ़ने पर डेबिट और कम होने पर क्रेडिट। तो कैश जा रहा है इसलिए कैश हो जाएगा क्रेडिट, और एसेट के लिए क्या रूल होता था, बढ़ने पर डेबिट और कम होने पर क्रेडिट। तो इसलिए जो भी एसेट आ रही है वो डेबिट हो जाएगी। तो अगर किसी भी तरह की फिक्स्ड एसेट आप खरीदते हो ऑन कैश तो उसकी एंट्री होगी फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, उसके बाद कैश में पेमेंट हो रही है तो टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर वहीं बैंक से पेमेंट होती है यानी चेक देते हो तो फिर आ जाएगा बैंक अकाउंट। उसके बाद देखते हैं कि अगर आप उधार खरीद रहे हैं एसेट्स तो क्या एंट्री होगी। देखिए जब एसेट खरीदी जाती है उधार तो आप कंडीशन सोचिए क्या होगा। जब बिजनेस उधार पर किसी भी तरह की एसेट खरीदेगा तो उसे एसेट तो मिल जाएगी, यानी बिजनेस में एसेट आ रही हैं। एसेट आना मतलब बढ़ने पर डेबिट, तो एसेट तो हो जाएगा डेबिट जो भी खरीदी है, लेकिन बदले में जा नहीं रहा क्योंकि कैश में नहीं खरीदा जा रहा है। अब कैश नहीं जा रहा है तो क्या कुछ और हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। जब किसी भी तरह की एसेट खरीदी जा रही है उधार पर तो कैश तो नहीं जाता है, लेकिन वादा कर दिया जाता है कि सर्टेन टाइम के बाद आपको पेमेंट कर दी जाएगी। यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी वहीं की वहीं क्रिएट हो रही है बिजनेस के लिए कि कुछ समय बाद वो पैसा पे कर दिया जाएगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे मतलब लायबिलिटी, और लायबिलिटी यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। पहले तो एसेट खरीदने से पहले तो किसी भी तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी अमाउंट पे करने की, लेकिन उधार एसेट खरीद लिया है तो इसीलिए अब वो अमाउंट पे करना पड़ेगा, नहीं वो लायबिलिटी बन गई। और लायबिलिटी बढ़ने पर क्या होती है, क्रेडिट। तो ये जो लायबिलिटी बढ़ी है इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा उस सप्लायर का जिससे एसेट खरीदी है। तो अगर उधार एसेट खरीदी जाती है तो एंट्री होगी फिक्स्ड अकाउंट डेबिट टू सप्लायर का नाम जिससे खरीदा है उसका नाम आ जाएगा। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला जो यहाँ पर अप्लाई हो सकता है वो होता है पर्सनल से रिलेटेड। पर्सनल मतलब जो व्यक्तिगत खाते होते हैं जैसे कि राम का खाता, श्याम का खाता एट्सेट्रा, जो नेचुरल पर्सन्स होते हैं कंपनीज वगैरह होती है उनको पर्सनल अकाउंट होते हैं, उनका लिए जो रूल होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को करो क्रेडिट। तो यहाँ पर जिससे भी एसेट खरीदी जाएगी वो हो जाएगा गिवर, और गिवर होता है क्रेडिट इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब उधार का हो, कैश में ये नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पर तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर के नाम से तो यहाँ पर उस फर्म का नाम आना चाहिए था जो बिजनेस कर रही है, और यहाँ पर जिससे खरीदा है उसका नाम आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए ही अप्लाई होता है, बाकी और ट्रांजेक्शन के लिए नहीं। उसके बाद अगर कंबाइंड एंट्री हो, यानी कुछ पोर्शन कैश में खरीदा जा रहा है, कुछ के लिए प्रॉमिस कर दिया जा रहा है पे करने का, यानी उधार खरीदा जा रहा है, तो उसके लिए एंट्री होगी फिक्स असेट्स अकाउंट। जो भी असेट खरीदी जा रही है वो डेबिट हो जाएगी। जितना कैश दिया गया है उतने अमाउंट से कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, अगर चेक दिया है तो उतने अमाउंट से बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जितना पोर्शन नहीं दिया गया है वो चला जाएगा सप्लायर्स के नाम आ जाएगा यहाँ पर, यानी वो लायबिलिटी बन जाएगी। लायबिलिटी बढ़ने पर होती है क्रेडिट। अब हम एग्जाम्पल की मदद से हम देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि फर्नीचर परचेज फ्रॉम राज फर्नीचर फॉर ₹10,000 पेड इन कैश। राज फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा है ₹10,000 का, और उसकी जो पेमेंट है वो कैश में कर दी गई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैश में पेमेंट की गई है, तो सिंपल एंट्री हो जाएगी कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए क्या होती है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो वही आ जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाओगे, फॉर्मेट का आपको बहुत ध्यान रखना है, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, क्योंकि फॉर्मेट बनाने का भी आपको नंबर मिलता है एग्जामिनेशन में। अगर फॉर्मेट आप नहीं बनाते हो तो आधा नंबर से लेकर एक नंबर तक आपका कट जाता है। फॉर्मेट आप इसी फॉर्म में बनाओगे, पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का जहाँ पर आप अपनी एंट्रीज लिखोगे, थर्ड कॉलम होता है LF यानी लेजर फोलियो। LF आपको खाली रखना है, लेकिन प्रैक्टिकली ये खाली नहीं रहता है। LF में पेज नंबर आता है किसका, लेजर का पेज नंबर, यानी यहाँ जो आप एंट्रीज कर रहे हो फिर इस एंट्री से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स हैं उसका अकाउंट या फिर उसकी लेजर पोस्टिंग आप लेजर बुक के जिस पेज नंबर पर करोगे वो पेज नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो जब आप प्रैक्टिकली कहीं जॉब करोगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, तो इसको याद रखना। उसके बाद जो अमाउंट्स के कॉलम होंगे वो दो होंगे, एक डेबिट का कॉलम और एक होगा क्रेडिट का कॉलम। अगर कोई डेबिट में आप एंट्री करते हो तो उसका अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में, और अगर आप कोई क्रेडिट में एंट्री करते हो तो उसका अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में। तो एंट्री इस तरह से हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹10,000 का फर्नीचर आया है, एसेट है बढ़ने पर डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश भी एक तरह की एसेट होती है, कम होने पर होती है क्रेडिट, तो इसीलिए इसका अमाउंट आ गया क्रेडिट कॉलम में। यहाँ नरेशन लिख दोगे आप, फिर अंडरलाइन करके, और ये पूरी एंट्री हो गई आपकी ख़त्म। इसी तरह से आपको एंट्री करनी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम जो रिलेटेड होगी क्रेडिट ट्रांजेक्शन से। यहाँ पर है मशीनरी परचेज फ्रॉम XYZ लिमिटेड।
एक्स वाई जेड लिमिटेड से एक मशीनरी परचेज की है जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपीज़। अब यहाँ पर नहीं लिखा है कि ये कैश ट्रांजेक्शन है या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मैंने पहले ही बताया था कि अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि ये लेन देन कैश में है या उधार में है, तो फिर आप दूसरी इन्फॉर्मेशन देखोगे। इन्फॉर्मेशन ये होगी कि क्या उस पर्सन का नाम लिखा गया है जिससे माल खरीदा गया है या फिर बेचा गया है। अगर नाम लिखा है तो उसको क्रेडिट मानोगे, और अगर नाम नहीं लिखा होता तो फिर आप उसको कैश मानते हैं। लेकिन अब इस एग्जाम्पल में लिखा गया है तो इसीलिए कैश ट्रांजेक्शन ना होकर एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए जो एंट्री होती है वो क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिट यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 रुपये से। लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, अभी तो पैसा नहीं दे रहा लेकिन फ्यूचर में तो देना पड़ेगा ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे। तो एक्स वाई जेड लिमिटेड की नाम की एक लायबिलिटी बन गई 10,000 रुपये की। उसके बाद नरेशन, फ्री अंडरलाइनिंग, और ये आपकी एंट्री हो गई ख़त्म। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि है कंबाइंड एंट्री। इसमें है कार परचेज फ्रॉम बजाज ऑटोमोबाइल्स, बजाज ऑटोमोबाइल से एक कार परचेज की है 5 लाख रुपए की, जिसमें से 2 लाख रुपए चेक में पे किए गए हैं। तो देखिए कार तो 5 लाख रुपए की आ गई, लेकिन सिर्फ बैंक कितने का कम हुआ, 2 लाख रुपए से, क्योंकि 2 लाख का ही चेक दिया है। तो जो 3 लाख रुपए बैलेंस रह गए हैं उसके लिए क्या हो गया, प्रॉमिस कर दिया गया है कि कुछ समय बाद पेमेंट कर दी जाएगी, यानी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे हो गई, यानी एक लायबिलिटी हो गई 3 लाख रुपए की। तो एंट्री इस तरह से हो गई, कार अकाउंट डेबिट कितने की है, कार 5 लाख रुपए की, एसेट आने पर होते हैं डेबिट, तो 5 लाख रुपए की कार आ गई। जा क्या रहा है, चेक दे रहे हैं कितने का, 2 लाख रुपए का। तो बैंक और कैश दोनों ही कम होने पर क्या होते हैं, क्रेडिट। उसके बाद जो हिडन इन्फॉर्मेशन ये है कि 3 लाख रुपए अभी नहीं पे किए जा रहे हैं। तो जो 3 लाख रुपए पे नहीं किए जा रहे हैं वो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो गई है कि आगे करने हैं, और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ होगी, वो होगी बजाज ऑटोमोबाइल्स की। जो बिजनेस है वो बजाज ऑटोमोबाइल्स को 3 लाख रुपये देगा कुछ समय बाद। तो ये एक हो गई लायबिलिटी, फिर यहाँ आप नरेशन लिख के फिर यहाँ आप कर दोगे अंडरलाइन। तो ये एंट्रीज़ के साथ हो गई ख़त्म। अब हम देखते हैं कि फिक्स्ड एसेट को अगर सेल किया जाता है मार्केट में तब क्या एंट्री होगी। फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ जो तो ध्यान रखनी है वो यही है कि आपको पता लगाना है कि ट्रांजेक्शन कैश में हो रही है या फिर क्रेडिट पर। उसके अलावा जो एक और चीज़ जो जुड़ी हुई होती है सेलिंग से, वो होती है कि एसेट को बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर फिक्स एसेट को अगर आप मार्केट में सेल करते हो तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो देखिए जब आप किसी भी एसेट को मार्केट में सेल करते हो तो पहला अकाउंट जो क्रिएट होगा वो ये होगा कि आपको मिल क्या रहा है, क्या कैश मिल रहा है या फिर चेक मिल रहा है। तो कैश मिले या चेक मिले, दोनों ही एसेट होते हैं, बढ़ने पर होती हैं डेबिट, तो ये हो जाएंगे डेबिट। अब जो आपको नहीं मिला उसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं, लेकिन आपके हाथ से जा क्या रहा है, आपके हाथ से जा रहा है एसेट। तो जो भी एसेट जाती है तो एसेट कम होने पर होती है क्रेडिट, इसीलिए जो भी एसेट गई, जो भी एसेट बिकी वो हो जाएगी क्रेडिट। अब हम बात कर लेते हैं कि ये बायर्स नाम डेबिट क्यों हुआ। अब जो अमाउंट नहीं मिला क्या उस पर आपका हक नहीं, बिजनेस का हक नहीं है? जी है, बिल्कुल हक है। तो किसी भी चीज़ पर अगर बिजनेस का हक होता है तो वो क्या बन जाती है, एसेट, और एसेट बढ़ने पर क्या होती है डेबिट। तो इसीलिए जितना अमाउंट नहीं मिला वो अब एसेट बन गई है, करंट एसेट बन गई है, तो वो डेबिट हो जाएगी। और यहाँ पर उस एसेट का नाम क्या होगा, उस एसेट का यहाँ पर नाम होगा जिस पर्सन को एसेट बेची जा रही है, क्योंकि उसी पर्सन से तो पैसे लेने होंगे ना। यहाँ पर एक जो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है वो ये है, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल्स जो कहता है कि पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को करो क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और ये जो रूल है ये तभी अप्लाई होता है जब कोई ट्रांजेक्शन उधार में होती है, यानी माल या फिर एसेट को खरीदने और बेचते समय अगर उधार ट्रांजेक्शन हुई है तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। तो जो कि कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, जितना नहीं मिला उतने वैल्यू से उस पर्सन का नाम डेबिट हो जाएगा जो खरीद रहा है एसेट को, उसके बाद एसेट जा रही है तो इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगी, और जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो भी हो जाएगा क्रेडिट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि ए मशीनरी बुक वैल्यू ऑफ रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख रुपये की मशीनरी थी। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू वो होती है जो अकाउंट्स में लिखी गई होती है। आपको दो वैल्यू लिखी गई होंगी, एक तो बुक वैल्यू और एक सेल्स वैल्यू। तो बुक वैल्यू जो अकाउंट में लिखी होती है, और सेल्स वैल्यू जिस पर कोई भी एसेट बेची जा रही है। तो एक मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू थी 1 लाख रुपये वो ऑब्सोलेट हो गई, ऑब्सोलेट मतलब नई टेक्निक की वजह से वो पुरानी पड़ गई, और उसको फिर बाद में बेच दिया गया राकेश एंड सन्स को 1,50,000 रुपये में। तो देखिए 1 लाख रुपये की मशीन आपसे जा रही है लेकिन 1,50,000 रुपये आपको मिलेंगे, तो ऑब्वियसली 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद 70,000 रिसीव्ड इमिडिएटली,
1,50,000 रुपये में से 70,000 आपको इमीडिएटली रिसीव हो गई। अब यहाँ पर कैश रिसीव हो रहा है या चेक ये नहीं लिखा गया है, तो आप कुछ भी अज्यूम करके लिख सकते हो, लेकिन फिर आपको नोट लिखना पड़ेगा कि आपने इसको कैश माना है या फिर चेक माना है, और फिर आपको ये सारी एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले आप पूरा फॉर्मेट बनाओगे। तो देखिए जो मशीनरी है 1,00,000 रुपये की वो बेची जा रही है, तो फिक्स एसेट अकाउंट में आ जाएगा मशीनरी अकाउंट 1,00,000 रुपये। उसके बाद 1,50,000 रुपये की बेची गई है, 1,00,000 रुपये की चीज़ 1,50,000 रुपये में, तो 50,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट में आ जाएगा 50,000 रुपये। उसके बाद रिसीव कितने हो रहे हैं 70,000 रुपये, तो कैश अकाउंट में 70,000 रुपये आ जाएंगे। बैंक अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर दो जगह पेमेंट नहीं हो रही है। जितना अमाउंट नहीं मिला वो बायर्स नाम के साथ डेबिट हो जाएगा। कितना नहीं मिल रहा है, 1,50,000 रुपये मिलने थे, लेकिन मिले कितने से 70,000 रुपये। तो जो 80,000 रुपये नहीं मिल रहे हैं वो कहाँ आ जाएंगे, राकेश एंड सन्स लिखकर डेबिट हो जाएंगे। तो एक बार हम प्रॉपर एंट्रीज देख लेते हैं। सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट जो मिल गया 70,000 रुपये। मशीनरी कितने की जा रही है, 1,00,000 रुपये की। 1,00,000 रुपये की चीज़ 1,50,000 रुपये में बेची जा रही है, तो 50,000 रुपये का क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। और इसके साथ साथ ही जो अमाउंट रिसीव होना था 80,000 रुपये वो रिसीव नहीं हो रहा है, तो वो बन गया करंट असेट, क्योंकि बाद में तो मिलेगा ना, हक हो गया उस पर। किससे मिलेगा वो, राकेश एंड सन्स से वो पैसा लेना है, इसीलिए राकेश एंड सन्स नाम की जो करंट असेट्स है वो क्रिएट हो गई। उसके बाद यहाँ नरेशन लिख के यहाँ फिर आप कर दोगे अंडरलाइन। तो ये हो गया फिक्स्ड एसेट को बेचने की एंट्री, कि अगर आपको कैलकुलेशन कुछ भी करनी पड़ती है तो वो आप मन में नहीं करोगे या फिर किसी रफ पेपर पर नहीं करोगे, आप अपनी आंसर शीट में ही करोगे वर्किंग नोट्स की हेडिंग डालकर। इसके भी नंबर होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में अलग अलग लिखा होता है कि आप जो भी कैलकुलेशन करो उसके साथ साथ वर्किंग नोट्स बनाओ, और वर्किंग नोट्स के आपको मिलेगा आधा नंबर या फिर एक नंबर। तो इसीलिए वर्किंग नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्किंग नोट्स इस क्वेश्चन में कैसे बनेंगे, सबसे पहले आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन करोगे। प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए क्या किया था, कि मशीनरी की बुक वैल्यू थी कितनी, 1,00,000 रुपये, और सेल्स प्राइस कितने की बिक गई वो 1,50,000 रुपये। यहाँ पर सेल्स प्राइस ज़्यादा है बुक वैल्यू से, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो इसीलिए प्रॉफिट कितना हुआ, सेल्स प्राइस माइनस बुक वैल्यू। 1,50,000 में से 1,00,000 घटा दोगे 50,000 रुपये, ये आपका प्रॉफिट निकल के आ गया। उसके बाद निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट विच हैज़ टू बी डेबिटेड टू राकेश एंड सन्स अकाउंट, क्योंकि राकेश एंड सन्स से कुछ पैसा नहीं मिलेगा, तो कितना पैसा नहीं मिलेगा। तो टोटल अमाउंट जो लेना था वो था 1,50,000 रुपये। कितना मिला, 70,000 रुपये मिले। कितना नहीं मिला, 1,50,000 रुपये लेने थे लेकिन सिर्फ 70,000 मिले, यानी 80,000 नहीं मिले। तो इतना अमाउंट का लिए राकेश एनसन्स हमारा डेटर बन गया। अब हम देख लेते हैं कि अगर एसेट को लॉस पर बेचा जाता है तो क्या एंट्री होगी। देखिए अगर आपको प्रॉफिट वाली एंट्री समझ में आ गई तो फिर आपको लॉस वाली एंट्री को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि सेम टू सेम यही एंट्री होगी। फर्क सिर्फ इतना आ जाएगा कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था इसलिए ये क्रेडिट हुआ था, लेकिन अब होगा लॉस एसेट को बेचने पर, और लॉस या फिर खर्चे बढ़ने पर होते हैं डेबिट, तो फिर वो डेबिट हो जाएंगे। एंट्री इस तरह से होगी कि अगर आप कोई भी एसेट बेचते हो लॉस पर, तो जितना कैश मिला वो हो जाएगा डेबिट, या फिर जितने का चेक मिला है वो भी हो जाएगा डेबिट, क्योंकि कैश और बैंक दोनों ही बढ़ने पर डेबिट होते हैं। जो अमाउंट नहीं मिला है उस पर हक हो जाएगा बिजनेस का, यानी वो फ्यूचर में तो मिलेगा ना, और हक मतलब एसेट, एसेट बढ़ने पर होती हैं डेबिट। तो ये करंट एसेट हो जाएगी, किसके नाम पर, जिसने फिक्स एसेट खरीदी है, बायर्स के नाम पर। इसके बाद लॉस हो रहा है, लॉस भी होता है डेबिट, तो जितने का लॉस हुआ है वो डेबिट हो जाएगा, और जो भी फिक्स एसेट बेची जा रही है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट, क्योंकि एसेट कम हो रही है और एसेट्स कम होने पर होती हैं क्रेडिट। तो ये एंट्री होगी। अब एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। अब एग्जाम्पल ये है कि ए मशीनरी बुक वैल्यू ऑफ 1,00,000, एक मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू है 1,00,000 रुपये, वो ऑब्सोलेट हो गई, अब राकेश एंड सन्स को बेची है 50,000 रुपये में। 1,00,000 रुपये की चीज़ 50,000 रुपये में जा रही है, तो लॉस हो गया कितना, 50,000 रुपये का। तो यहाँ लॉस पर 50,000 रुपये आ जाएंगे। तो जो एंट्री होगी इस तरह से होगी, राकेश एंड सन्स डेबिट, अकाउंट नहीं आता है नाम के आगे 50,000 रुपये से, क्योंकि कुछ भी नहीं मिला है, ना तो कैश मिला ना चेक मिला, तो ये तो आएंगे ही नहीं, सारा का सारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हैं। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन है, राकेश एंड सन्स मशीनरी को रिसीव कर रहा है, तो 50,000 रुपये से इसकी वैल्यू आ गई। या फिर दूसरा फॉर्मूला वो एसेट वाला समझ सकते हो, कि 50,000 रुपये की करंट एसेट क्रिएट हो रही है, क्योंकि 50,000 रुपये पर फर्म का हक है, और अब आज नहीं मिले तो क्या हुआ, 1 महीने बाद 2 महीने बाद तो ये 50,000 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये लॉस हो गया, ये भी डेबिट हो गया, क्योंकि लॉस बढ़ने पर होते हैं डेबिट। मशीनरी कितने की जा रही है, 1,00,000 रुपये की, तो मशीनरी हो गई क्रेडिट 1,00,000 रुपये से। यहाँ नरेशन होने आ रही है अंडरलाइन। तो ये एंट्री आई होप समझ में आ गई होगी। एक वेरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी होती है फिक्स्ड एसेट को परचेज या फिर सेल करते टाइम, वो ये होती है कि अगर किसी भी एसेट को खरीदा जाता है
और उस एसेट को इंस्टॉलेशन किया जाता है, उसका जो भी खर्चा होता है। इंस्टॉलेशन मतलब किसी भी फिक्स्ड एसेट को बिजनेस फर्म में इंस्टॉल करना, उसको स्थापित करना, उसको लगाते समय जो खर्चा दिया जाता है। जैसे मशीनरी मंगाई आपने, मशीनरी अंदर तक रखवानी है, उसके लिए आपने वर्कर्स हायर किए, तो उसको आपने जो भी पेमेंट दी, इस तरह का खर्चा, या फिर लाने ले जाने में जो भी खर्चा हो रहा है आपका, या फिर किसी भी और तरीके का खर्चा होता है, तो ये सारे कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा ही होता है। अब फर्म में एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। फाइनल अकाउंट जब आप करोगे तो डिटेल में इसके बारे में आप जानोगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब किसी भी एसेट पर किया गया खर्चा, और रेवेन्यू मतलब आय को कमाने के लिए किया गया खर्चा, जैसे कि सैलरी दे दी, गुड्स परचेस किया गया, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। कैपिटल मतलब फिक्स्ड एसेट, अगर आप कोई भी परचेस करते हो और उससे रिलेटेड अगर आप कोई भी खर्चा करते हो तो वो फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है, ना कि उसके लिए अलग से अकाउंट बनाता है, इसी को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। या फिर अगर कुछ टाइम बाद आप उसको रिपेयर करा रहे हो फर्नीचर में, और उस रिपेयरिंग से फर्नीचर की जो कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क है, यानी उसके कार्य करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, तो वो भी किस में आ जाएगी, एसेट की कॉस्ट में जोड़ दी जाएगी। दूसरी एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि अगर कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है तो आप ईंट खरीदोगे, सीमेंट खरीदोगे, लकड़ी खरीदोगे, ये सब चीज़ें खरीदोगे। तो अब आप ये सब चीज़ें खरीदोगे तो इसके लिए क्या आप अलग से अकाउंट बनाओगे? नहीं, ये सब जाएगा तो बिल्डिंग में ही ना, टिम्बर सीमेंट ब्रिक जो भी लगेगा सब बिल्डिंग में लगेगा। तो जब भी क्वेश्चन में अगर इस तरह की चीज़ें गिवन हो तो आप उसके लिए टिम्बर अकाउंट, सीमेंट अकाउंट, ब्रिक अकाउंट ये सब नहीं बनाओगे, बल्कि इन सब की वैल्यू के लिए आप एक अकाउंट बनाओगे, बिल्डिंग अकाउंट, और इस सब की वैल्यू को उसमें डाल दोगे। एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं, जैसे कि मशीनरी परचेज ऑफ ₹30,000, 30,000 रुपये की मशीनरी खरीदी है और फिर ₹200 दिए हैं वेज के कि मशीनरी इंस्टॉल कर दो भाई, हमारे एक फर्म में मशीनरी लगा दो, उसके लिए ₹200 तुम ले लेना। तो मशीनरी 30,000 रुपये की थी, ₹200 उसको इंस्टॉलेशन चार्जेस लगेंगे, तो मशीनरी की कॉस्ट कितनी पड़ी, 30,200 की। तो इसीलिए जो एंट्री होगी वो होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन जो अमाउंट है वो 30,000 ना आकर 30,200 आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्जेस भी ऐड कर दिए गए हैं। अब ये वाली एंट्री कैसे हुई कि मशीनरी क्यों डेबिट हुई, कैश क्यों क्रेडिट हुआ, ये मैंने पहले ही बताई थी कि अगर आप किसी भी तरह के एसेट खरीदते हो ऑन कैश तो एसेट होगी डेबिट और कैश अकाउंट होगा क्रेडिट, क्योंकि एसेट आने पर होती है डेबिट और कैश जाने पर होता है क्रेडिट। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि ब्रिक्स यानी ईंटें, सीमेंट एट्सेट्रा ये सब लिया है ₹1,50,000 का, टिम्बर लकड़ी ली है ₹2,00,000 की, तो टोटल ₹3,50,000 का आइटम परचेज किया गया है, किस लिए, बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो बिल्डिंग मतलब क्या है, एक फिक्स सेट है, और फिक्स सेट पर कैपिटल नेचर का किया गया खर्चा उसकी कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है। कॉस्ट में जोड़ना मतलब उसी के अकाउंट में डाल देना, तो इसके लिए अलग से अकाउंट नहीं बनेगा, बल्कि बिल्डिंग अकाउंट डालकर ये सारा अमाउंट उसमें बना दिया जाएगा। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग बढ़ रही है। अब आप यहाँ पर, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्डिंग आ रही है, बिल्डिंग तो ऑलरेडी ही थी, लेकिन उसको ऊपर बढ़ाया जा रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, एक तरह से जो उसकी वैल्यू है वो बढ़ रही है, तो एसेट बढ़ने पर होती है डेबिट, इसलिए यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट किया गया है डेबिट। और क्योंकि खर्चा हो रहा है, पेमेंट जा रही है, बैंक कम हो रहा है, तो बैंक अकाउंट कम होने पर होता है क्रेडिट, यहाँ नरेशन और यहाँ ये अंडरलाइन। तो आई होप आपको इससे समझ में आ गया होगा। या अब नेक्स्ट चलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का क्या मतलब होता है, ड्राइंग्स का मतलब होता है कि जो बिजनेस का ओनर है वो बिजनेस में से कुछ भी चीज़ ले रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। माना उसका फर्नीचर का बिजनेस है और वो अपने घर के लिए एक फर्नीचर ले गया, उसकी लड़की की शादी थी, उसने अपनी ही दुकान से फर्नीचर ले लिया, तो फिर वो फर्नीचर जो भी लिया है उस ओनर ने वो क्या कहलाएगी, ड्राइंग्स। या फिर बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उसमें से ₹1,00,000 अपनी लड़की की शादी के लिए निकाल लिए, तो अगर बिजनेस में से किसी भी तरह का कुछ भी चीज़ वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता है तो वो कहलाती है ड्राइंग्स। और ये चीज़ याद रखना, जब भी ओनर फर्म में कुछ कंट्रीब्यूट करता है तो वो कहलाती है कैपिटल, लेकिन अगर वो फर्म में से कुछ ले जाता है पर्सनल यूज़ के लिए तो वो कहलाती है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर कैश निकाला है तो, लेकिन अगर बैंक से चेक निकाला है, बैंक अकाउंट में से पैसा निकाल लिए हैं तो फिर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, या फिर अगर स्टॉक ले लिया है तो फिर परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि एक ओनर है, उसका फर्नीचर बनाने का बिजनेस है, उसने फर्नीचर निकाला है अपनी बेटी की शादी के लिए, तो फर्नीचर पर यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ पर परचेज अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि उसका फर्नीचर का बिजनेस है। यहाँ एक चीज़ आप याद रखना कि जिस चीज़ का बिजनेस होता है वो चीज़ उसके लिए फिक्स सेट ना होकर स्टॉक बन जाती है। तो यहाँ पर अगर फर्नीचर का बिजनेस था तो वो फर्नीचर उसके लिए स्टॉक हो गया, ना कि वो एसेट। तो ये चीज़ आप याद रखना, तो इसीलिए ये होगा यहाँ पर
परचेज अकाउंट। यहाँ पर एक चीज जो चीज आप याद रखना कि यहाँ पर स्टॉक नहीं लिखना है, यहाँ पर परचेज अकाउंट ही लिखना है, क्योंकि परचेज मतलब गुड्स को शो करता है जो कि खरीदे गए थे, तो यहाँ पर आ जाएगा टू परचेज अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 5,000 विद्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से 5,000 रुपये निकाले गए, और दूसरी है कि 30,000 रुपये का गुड्स लिया गया प्रोप्राइटर से पर्सनल यूज़ के लिए। तो इसकी एंट्री इस तरह से हो जाएगी, पहली ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल सी एंट्री है, यहाँ पर आप नरेशन लिख इसको कर दोगे। उसके बाद दूसरी, अगर गुड्स ले रहा है तो गुड्स के लिए हमेशा परचेज अकाउंट आ जाएगा, तो जितना अमाउंट लिया ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने से, 30,000 रुपये से। तो हमेशा याद रखना, ओनर अगर कंट्रीब्यूट करता है फर्म में कुछ भी देता है तो क्रेडिट होगा, और अगर वो फर्म से कुछ भी ले लेता है तो उल्टा हो जाएगा, यानी वो डेबिट हो जाएगा, ले लेना मतलब ड्रॉइंग्स, इसलिए ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं। इसी के साथ ये वीडियो होता है ख़त्म। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस तरह के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर हिट कर दीजिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे सभी न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेंगे सबसे पहले। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।